फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए हम डोसा और चटनी बना रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी भर के चावल का आटा लिया है। अगर चावल के पास आटा आपके पास नहीं है तो आप इसे चावल भिगो के भी बना सकते हैं। तो इसे हम बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अभी एक कटोरी भर के हमने चावल का आटा लिया है, तो उसी नाप से हम पानी लेंगे। मैं पहले दो कटोरी भर के डाल देती हूँ और इसे हम मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके जो लम्स है पूरे ख़त्म कर देंगे इस तरह से। अभी इसे हमने मिला दिया है, एक बार चेक कर देते हैं। ये अभी तक गाढ़ा है, तो इसमें और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना यूज़ कर देंगे पानी। इस तरह से अभी इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और इसके साथ हम ले रहे हैं प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, वो भी डाल देते हैं। अभी देखिए इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, तो इसे हम रखते हैं साइड पे। जब तक ये रेस्ट कर रहा है तब तक हम चटनी की तैयारी करते हैं। इसे हम ढक के रख देंगे। अभी हमने जो चटनी बनानी है, इसके लिए हमने लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, इसे लंबा लंबा काट लिया है, दो सूखे लाल मिर्च, चार पांच लहसुन, दो टेबलस्पून जितना मूंगफली, एक टेबलस्पून जितनी कोकोनट और 8-9 काजू, इस तरह से हमने लिया है। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अब इसमें डालते हैं आधा टीस्पून जितना ऑयल, ऑयल ना के बराबर है, और इसमें डाल देते हैं प्याज। और इसे हम हल्का सा भून लेते हैं, कुछ सेकंड इसके हम भूनेंगे, उसके बाद हम एक एक चीज डालते जाएंगे। अभी इसे सिर्फ कोकोनट छोड़ के दूसरी सब चीज़ें हम डाल देते हैं। और इसे चलाते हुए भून लेते हैं। अभी देखिए ये हमें जैसे चाहिए चटनी के लिए इस तरह से भून लिया है, तो गैस को फ्लेम करते हैं ऑफ और उसी समय हम देसी के कोकोनट डाल देते हैं और इसे हम चला लेते हैं। और अभी इसे हम ठंडा होने देंगे। अभी ये ठंडा हो गया है, तो इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर करते हैं। अभी इसमें डालते हैं लेमन जूस स्वादानुसार, नमक और 1/4 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर। अभी इसे मिक्सी जार में पीस लेते हैं। अभी इस तरह से हमने पीस लिया है, इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से हमने बाउल में ले लिया है, अभी इसे हम देते हैं तड़का। अभी इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना ऑयल, साथ में राई, जीरा, करी पत्ता और एक चुटकी हींग। एक सूखी लाल मिर्च। अब इसे हमने अच्छी तरह से भुनने देते हैं। देखिए तड़का हमारा हो गया है, इस तरह से देखिए गैस को करते हैं बंद। इसे डालेंगे चटनी।
और इसे हम मिला लेते हैं। थोड़ा बचा है वो भी हम डाल लेते हैं। ये हो गया हमारी चटनी। अभी बनाते हैं डोसा। अभी कवर हटा देते हैं और इसे हम चेक कर देते हैं। ये अभी देखो थोड़ा ठीक लग रहा है, फिर भी हम एक बना के देखते हैं। अगर ऐसा लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें और डालेंगे। तो हर बार उसे आपको चला के ही डोसा उतारना, नहीं तो ये चावल का आटा जो है वो नीचे बैठ जाएगा। थोड़ा इसमें तेल, अभी इसे हम पलटा लेते हैं। इस तरह से अभी दूसरी साइड भी हम अच्छी तरह से होने देते हैं। अब देखिए डोसा हमारा अच्छी तरह से हो गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और दूसरा हमने डाल दिया है। देखिए हमारा डोसा बढ़िया सा रेडी हो गया, कितना कलरफुल लग रहा है ना। तो इसे हम अभी फोल्ड करते हैं इस तरह से। वाह देखिए इस तरह, देखिए इस तरह से डोसा हमारा रेडी हो गया है। तो चटनी के साथ सुबह का एकदम हेल्दी हेल्दी नाश्ता इस तरह से बनाएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से डोसा जरूर बनाइए। इस तरह से बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एकदम हेल्दी नाश्ता सबको पसंद आने वाला। और आपके पास जो भी सब्जी है आप इसमें डाल के अच्छी तरह से हेल्दी बना सकते हो, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।